बता दो फटाफट फटाफट चैट में लिखे क्या क्या डाउट्स हैं आपके। DPP 1 में कोई डाउट है क्या? यस सर। बता दो DPP 1 में क्या क्या डाउट्स हैं, फटाफट मुझे चैट में लिख के बता दो। यस बेटा। DPP 1 नंबर 16। यस DPP 1 क्वेश्चन नंबर 16। यस सर। ओके क्वेश्चन थर्ड का थर्ड भी एक आया है, क्वेश्चन थर्ड का थर्ड में डाउट है और क्वेश्चन नंबर 16 में डाउट है। 16 का वन कौन सा? 16 तो है नहीं, कौन सा क्वेश्चन नंबर 7? DPP 1 में कौन सा पूछ रहे हो बेटा बताओ? 16 1 A सर बोथ, सर बोथ A and B। बट बेटा 16 तो क्वेश्चन ही नहीं है, DPP 1 की बात कर रहे हो या 2 की बात कर रहे हो? 1 1 सर, वेरीफाई दैट माइनस एक्स दैट 1 सर। तो DPP 1 के अंदर तो क्वेश्चन नंबर 7 तक ही है मेरे पास, क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स डिस्कस कर रहे हैं, क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स डिस्कस कर रहे हैं। सॉरी 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 सर, बाय चांस आई हैव ओपन रेशनल नंबर। ओके तो आप सॉल्विंग क्या कर रहे हो, आप रेशनल नंबर सॉल्व करते हो या क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स किया है आपके सर साथ? आई वाज आल्सो कंफ्यूज्ड दैट हाउ इज दैट नंबर इज कमिंग। क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स खोल दो, ठीक है ना। चलो DPP 1 में मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड आया है, और क्या क्या आपके डाउट्स हैं आप मुझे मैसेज कर दो सारे फटाफट, ठीक है। वैनिया का डाउट आ गया मेरे पास, नीति के आ गया, नाजरा का आ गया, कशिश का कोई डाउट नहीं है। कशिश इसका क्यूब निकालना है, फाइंड, देखो क्वेश्चन का है फाइंड क्यूब ऑफ -3.01, तो मैं इसको क्या लिखता हूँ, क्यूब ऑफ 3.01 कैसे निकालेंगे इसको, मैं लिख सकता हूँ माइनस आउटसाइड 3 + 0.01। यस अब मैंने बताया आपको ए प्लस बी होल क्यूब कैसे निकालते हैं, माइनस इसको आपने क्या लिखा, -301/100 लिखा क्या? ठीक है ऐसे आप चाहो तो ऐसे कन्वर्ट कर लो। अब इसका क्यूब अगर यस निकालना है तो इसका क्यूब मतलब क्या है, -301 का क्यूब अपॉन अपॉन 100 का क्यूब है ना। अब -301 का क्यूब अपॉन 100 का क्यूब, हाँ अब यस 301 का क्यूब कैसे निकालोगे आप लोग? सर -27270901। हाँ वो निकालेंगे कैसे, अब वही ट्रिक देखनी है आपको। मेथड मैंने आपको एक बताया याद है आपको, -301 का क्यूब निकालना है और 100 का क्यूब निकालना है, तो इसको क्यूब निकालने का मेथड क्या बताया मैंने, इसको आप थ्री लिख दो हंड्रेड क्यूब प्लस वन क्यूब 300 + 1 का होल क्यूब। हाँ अब वो क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब, हमने फॉर्मूला निकाला था याद है, पास्कल ट्राइंगल लिखा था मैंने, ए क्यूब यस सर प्लस बी क्यूब यस यस सर, ए प्लस क्यूब थ्री प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए ए बी स्क्वायर स्क्वायर प्लस थ्री बी ए स्क्वायर। यस थोड़ा इसको मैं री यस ऐड करूंगा अलग तरीके से, इफ यू वांट, ए क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² + b³। यस 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 ए क्यूब कितना हो जाएगा, 100 का क्यूब 3 × 100 का स्क्वायर इनटू 1 प्लस 3 × 100 इनटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब, तो ये 100 का क्यूब क्या हो जाएगा, 6 zeros, यस फिर सर। क्या जाएगा 100 नहीं आएगा ना, 300 आएगा सॉरी 300 300 सब जगह 300 है, 300 + 1 है, ठीक है ना, तो 300 आएगा हर जगह, तो कितना हो जाएगा 27। यस और पीछे 6 आ जाएंगे इसके पास, नेक्स्ट 3 3 = 9, 9 3 = 27 और कितने जीरो आएंगे, 4। यस सर। नेक्स्ट नंबर में क्या जाएगा, 3 3 = 9 और 2 zeros, नेक्स्ट में 1, सम कितना हो जाएगा, 1 0 9 0 7 2 1 और ये 7 और ये 2, 2 7 2 7 0 9 0 1। यस यस सर ठीक है ना, और इसको भी किससे डिवाइड करना है, 1 2 3 4 5 6 से डिवाइड करना है, 6 zeros, तो आंसर कितना आ जाएगा,
1 2 3 4 5 6 0 So answer will be 27.270901. Is it clear? माइनस का साइन आएगा ना बेटा, क्योंकि ऊपर क्वेश्चन में माइनस का साइन था, ठीक है ना? क्यूब अगर करेंगे तो माइनस का साइन रहेगा ही, ठीक है ना? यस सर, आपने थोड़ा सा ज्यादा डार्क कर दिया था तो मुझे लगा कि नहीं है। नहीं नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चों का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरे पास आया है वो आया है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आया है डाउट में, पंथ का भी डाउट आया मेरे पास, उत्कर्ष का डीपीपी नंबर 6 में डाउट है। उत्कर्ष डीपीपी नंबर 6 में डाउट है क्या? 1 का 6 डाउट है आपने डाउट में लिखा है, डीपीपी 1 नंबर 6 है ना, तो वही देख रहे हैं। देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर क्यूब्स ऑफ ऑड नंबर, तो 216 किसका क्यूब होगा? इवन का क्यूब होगा, ये तो डिस्कार्ड हो जाएगा। 343 किसका क्यूब है? 7 का, यस इट्स अ क्यूब ऑफ ऑड नंबर। नेक्स्ट 13824, तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ऑड का क्यूब जो होगा ना वो एंड भी ऑड से नंबर से ही करेगा, ठीक है ना? एंड अगर देखेंगे तो ऑड नंबर से करना चाहिए। नेक्स्ट 1331, यस इट्स क्यूब ऑफ 11। 1728, अगेन इट्स एन इवन नंबर का क्यूब, ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना? यस सर। इज इट क्लियर? यस सर। तो डीपीपी 1 का डिस्कशन हो गया, किसी को और डाउट है? नो सर। 2 में चलते हैं हम लोग। यस सर। ये वाला क्यूब्स ऑफ नेगेटिव है ना, क्यूब्स ऑफ नेगेटिव, तो -125 क्या नेगेटिव का क्यूब है? हाँ बिल्कुल, -5 का क्यूब। यस सर। Next, 64 का नेगेटिव का क्यूब है? नो। -343 का नेगेटिव का क्यूब है? यस। यस सर। 7 -7। तो क्या ये किसी नेगेटिव का क्यूब है? नो। नो सर। ठीक है ना, पॉजिटिव नंबर दिख रहा है क्लियर, नेगेटिव का क्यूब तो नेगेटिव ही होगा, है ना? यस। सुनी को फॉर नेक्स्ट नाउ। यस। यस बेटा पंत, मुझे डीपीपी 2 के डाउट्स भी आप लिख दो, ठीक है ना? डीपीपी 2 के भी सारे डाउट लिख दो, जो जो डाउट्स हैं आप लोगों को फटाफट चैट में लिख दो मेरे को। अब डीपीपी 2 में डिस्कस कर रहा हूँ, डीपीपी 2 में अभी जो मेरे पास क्वेश्चन आया हुआ है वो आया है क्वेश्चन नंबर, डीपीपी 2 का क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड, 4 का F 6 का सेकेंड, और 15 आया हुआ है और 16 आया हुआ है डाउट में, ठीक है? और किसी को कोई डाउट है तो वो भी लिख दो आप। 4 का F देख लेते हैं, 4 के F में क्या लिखा है? अच्छा 4 का E भी डाउट है। अरे यार मेरे पास तो 4 का DPP 2 में मेरे पास 4 में तो है ही नहीं, F और ये सब है ही नहीं 4 में, मेरे पास है ही नहीं, मेरे पास ABCD ही है। आप कौन सा बोल रहे हो? हाँ DPP 2 में आप लोग कौन सा बोल रहे हो? 4 का E मुझे बोल रहे हो, बट 4 का E तो मेरे पास है ही नहीं DPP 2 में। सॉरी DPP 3 का है, ठीक है? DPP 2 मुझे बताओ ना आप, DPP 2 में मेरे को जैसे पंथ ने भी दिया है, पंथ ने लिखा नहीं अभी तक ऑफ DPP 2। अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ DPP 2 पंथ ऐसा बोलना चाह रहा है, ओके समझ गया मैं, समझ गया। 13-14 वानिया का डाउट है DPP 2 में, उत्कर्ष का है 5th का 3rd, क्वेश्चन नंबर 5 का 3rd उत्कर्ष का डाउट है। तो कितना मजा आ रहा है मुझे, सबने सॉल्विंग किया तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है आज। ओके ओके 15-16 नाजरा का डाउट है, कशिश का 12th डाउट है, ओके 12th क्वेश्चन में डाउट है, ओके तो चलो देख लेते हैं फटाफट फटाफट। क्वेश्चन नंबर 5 का 3rd देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अ परफेक्ट क्यूब, तो 1728 बेटा यस एक परफेक्ट क्यूब होता है 12 का। रीजन क्या होगा इसके पीछे? रीजन दोगे आप प्राइम फैक्टराइजेशन करके, किसके दोगे? प्राइम फैक्टराइजेशन, आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दोगे, क्लियर दिख रहा है 12 का क्यूब है, ठीक है? आपका 5th का 3rd हो जाएगा। नेक्स्ट 6 का सेकंड देख लो, 1027, क्या 1027 एक परफेक्ट क्यूब है? क्या ये किसी का परफेक्ट क्यूब है? इज इट अ परफेक्ट क्यूब? नो। कैसे बोल पाओगे? प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो आप बोल पाओगे,
ठीक है ना, ऑल्सो राइट द रीजन, यू हैव टू प्राइम फैक्टराइज एंड टेल द रीजन. नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास स्क्रीन के सामने आ रहा है अब कौन सा है, 12, 13, 14, 15, 16. तो मैं शुरू करता हूँ 12 से. What smallest number must be number by 625 must be so that, अच्छा क्या लिखा है इन्होंने, what is the smallest number by which 625 must be divided so that the quotient is a perfect cube. तो किससे divide करना चाहिए, 5 से divide करना चाहिए ना, 625 क्या होगा, 5 की power 4, तो 5 की power 4 अगर 5 से divide करूँगा तो 5 cube बन जाएगा, which is a perfect cube, है ना, तो 5 से divide करना चाहिए. 13, divide the number 5 to 7 to 8 by the smaller number so that the quotient is a perfect cube. भाई 5 to 7 to 8 किससे divide करना चाहिए, तो इसको prime factorize कर लो ना आप. इसका prime factorization क्या होगा, 2, 2, 2, 13, 13, 13, okay, and 3. एंड थ्री, तो भाई ये तो तीन दिन की पैर में इसी को प्रॉब्लम है, तो इससे डिवाइड कर दो आप खत्म. नंबर शुड बी डिवाइडेड बाय थ्री. वेरी गुड, बहुत अच्छे. नेक्स्ट 14th क्वेश्चन में क्या लिखा है, बाय व्हाट स्मॉलेस्ट नंबर शुड बी डिवाइड द फॉलोइंग नंबर्स टू मेक देम परफेक्ट क्यूब. तो सबको प्राइम फैक्टराइज करो, 6, 6, 5, 5, इसको डिवाइड करोगे किससे, तो प्राइम फैक्टराइज करके बताओ इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या जाएगा, 11 क्यूब एंड 5. पता चल गया 5 से डिवाइड करूंगा तो परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, ठीक है ना. बाकी सारे मैं कर नहीं रहा हूं, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन ही करना है इसमें, और कुछ नहीं करना. नेक्स्ट 15 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बाय व्हाट स्मॉलेस्ट नंबर द नंबर्स मस्ट बी सबट्रैक्टेड सो दैट द फॉलोइंग नंबर्स टू मेक देम परफेक्ट क्यूब्स, आल्सो फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ द परफेक्ट क्यूब सो ऑब्टेंड. अब मुझे एक चीज बताओ, परफेक्ट क्यूब्स के लिए क्या सबट्रैक्ट करना है, तो अगर ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होता तो हम क्या देख लेते, भाई 70 का परफेक्ट क्यूब बनाना है तो क्या होगा, नियरेस्ट 27 है, ठीक है, और उसके बाद 64 है, ठीक है, और उसके बाद सीधा कौन सा क्यूब आता है, 125, तो कितना सबट्रैक करना पड़ेगा, 6 सबट्रैक करना पड़ेगा, कितना ऐड करना पड़ेगा, 55 ऐड करना पड़ेगा. इज इट क्लियर, हाँ ठीक है, क्या सबको समझ आ रहा है. दूसरी एक मेथड जो है वो है सक्सेसिव सबट्रैक्शन वाली, वो भी हमने क्लास में डिस्कस करी है, लेकिन यूजुअली एमसीक्यूज में आप ऐसे नंबर से निकाल लो जल्दी आ जाएगा. फिर उसी सीरीज में क्या आएगा, आगे 7 आएगा, फिर क्या आएगा, 19, 36, 27, 1, 27, 1, 27, 2, 1, 7, समझ में नहीं आ रहा है. देखो बेटा मैं बताऊँ आपको, हम क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे, 1 का क्यूब क्या होगा, 1, 2 का क्यूब क्या होगा, 8, 3 का क्यूब क्या होगा, 64, अब हर कॉन्जिक्यूटिव क्यूब्स के बीच में आप डिफरेंस निकालो, सब्ट्रैक्शन करो आप, तो 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब कितना होगा, 7 होगा. ठीक है, मैं लिख रहा हूँ, देखो आप यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, ठीक है, 1 क्यूब माइनस 0 क्यूब इज 1, नेक्स्ट 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब इज 7, 3 क्यूब माइनस 2 क्यूब इज 19, नेक्स्ट 4 क्यूब माइनस 3 क्यूब इज 37, नेक्स्ट 5 क्यूब माइनस 4 क्यूब इज 61, नेक्स्ट 6 क्यूब माइनस 5 क्यूब 125, को 216 में से अगर घटा दिया तो कितना जाएगा, 91 आ जाएगा, ठीक है ना, और ये टेबल चलती हुई जाएगी, क्या होती जाएगी, चलती हुई जाएगी. 7 क्यूब माइनस 6 क्यूब कितना आ जाएगा, 127 आ जाएगा. सो दिस इज मूविंग ऑन, दिस इज गोइंग ऑन एंड ऑन, ठीक है, इसका कोई स्टॉपेज नहीं है, ठीक है ना. देखो और कैसे पहचानते हैं, इसके बीच का डिफरेंस 6, इसके बीच का डिफरेंस 12, 18, 24, 30, 36, तो obviously next difference that is expected is to be 42, next 217, 48, 54, yes, so here what will be the number, 169, next number जो होगा यहाँ पे कितना होगा,
270 और ये हो जाएगा 217 और 54 अगर मैंने ऐड कर दिया तो 271 हो जाएगा, सही है ना। अब मैं क्या करता हूँ, अब मेरे पास जो गिवन नंबर है क्वेश्चन के अंदर, मान लो मुझे दिया हुआ है कि भैया बताओ 70 में से क्या घटाना पड़ेगा ताकि वो परफेक्ट क्यूब हो जाए, तो मैं शुरुआत करूंगा कहाँ से, 1 से। तो 70 में से अगर मैंने 1 घटा दिया तो 69 बचेगा, फिर मैं क्या करूंगा 69 में से कितना घटाऊंगा, 7 घटाऊंगा, तो कितना बचेगा 62। फिर 62 में से मैं 19 कम कर दूंगा, कितना बचेगा 43। फिर 43 में से मैं कितना 37 घटा दूंगा, तो कितना बचेगा 6। इसका मतलब मुझे क्या पता चला, अगर रिमाइंडर नहीं आता तो ये परफेक्ट क्यूब होता। हम क्या क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, देखो ये सब सब्ट्रैक्ट करता जा रहा हूँ मैं, ये वाली वाली रो, ये वाले नंबर्स को घटाना है मुझे। इज दिस क्लियर, दिख रहा है इन नंबर्स को घटाना है हमको, समझ आ रहा है आपको? Yes, sir. देखो पहले 1 कम किया, फिर 7, फिर 19, फिर 37, तो इसके बाद अभी आप 61 तो घटा ही नहीं सकते, 6 में से 61 कैसे घटाओगे, नेगेटिव आ जाएगा ना। सो 6 जो रिमाइंडर है इसको सब्ट्रैक्ट कर लो तो एग्जैक्टली सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, ठीक है ना। तो इसी तरीके से हम एक और क्वेश्चन उठा लेते हैं, कौन सा क्वेश्चन है ये, डीपीपी 2 का क्वेश्चन नंबर 16 था ना, 15, तो क्या लिखा है, अब 128 में से क्या कम करना पड़ेगा आपको, ओरली भी बता सकते हैं भाई, 3 कम करना पड़ेगा, लेकिन अगर हम प्रोसीजरल वाइज करने जाएंगे तो प्रोसीजरल वाइज क्या करेंगे, 128 में से पहले 1 कर दो, कर लो आप एक बार ट्राई करो, फिर मैं सॉल्व करूंगा, नहीं तो 128 में से 1 निकालो, फिर 7 निकालो, फिर 19 निकाल लो, फिर 37 निकालो, आ गया? Yes, sir, my answer came. Yes, okay, सब बच्चों ने ट्राई किया इसको? Yes, sir. Yes, सब बच्चों का आ गया, कशिश, कनिया? Yes. तो मुझे नहीं हुआ था, लेकिन मैंने, मेरा ये डाउट था, तो मैंने देखा कि पूछा है, तो मेरा फिर इसमें भी डाउट क्लियर हो गया। हाँ, तो अभी समझ आ गया आपको? Yes, sir. देखो ऐसे सब डाउट पूछोगे ना तो बहुत अच्छे से सब समझ आ जाएगा आपको, ठीक है। बाकी के क्वेश्चंस भी आप एक बार खुद से कोशिश करके देखना, ठीक है। जैसे मैं एक और करके देता हूँ आपको, 350 में करके देता हूँ, ठीक है। देखो 350 वाला मैं करता हूँ, अब 350 में करते हैं हम, चलो 350 में से 1 कम कर दिया 349, फिर 7 कर दिया तो कितना 342, ठीक है ना, बिल्कुल 7 आएगा। फिर 342 में से कितना 19 कम कर दूंगा तो कितना जाएगा 323, फिर 323 में से 37 अगर मैं कम कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 286, फिर 286 में से मैंने 61 कम कर दिया तो कितना आ जाएगा 225, फिर 225 में से 91 कम कर दिया मैंने तो कितना आ जाएगा मेरे पास 134, फिर 134 में से 127 सबट्रैक्ट कर दिया तो कितना आ जाएगा 7। तो अगर मैं 7 नंबर से कम कर दूं तो लास्ट में यहां पे रिमाइंडर 0 नहीं आ जाएगा, है ना। सिमिलरली क्या बोल रहा है, व्हाट मस्ट बी एडेड, अभी क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या लिखा है, व्हाट मस्ट बी एडेड, व्हाट मस्ट बी एडेड मतलब जो नेक्स्ट नंबर को चाहिए वो ऐड कर देंगे हम। तो जो फॉर एग्जांपल 121 में तो चलो कुछ ऐड नहीं करना पड़ेगा, वो परफेक्ट, 121 में क्या करना पड़ेगा देख लेते हैं, 4 ठीक है ना, क्या आ जाएगा इधर आपके पास बताओ, देखो फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट मस्ट बी एडेड, उसकी मेथड क्या है, देखो मैं वही बता रहा हूँ। फॉर एग्जांपल 121 मेरे पास एक नंबर है, ठीक है ना, 121 एक नंबर है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट मस्ट बी एडेड टू द फॉलोइंग नंबर्स टू मेक देम परफेक्ट क्यूब्स, ऑल्सो फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द परफेक्ट क्यूब टू ऑब्टेन। तो 121 है
उसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा वो हम ढूंढने वाले हैं। तो पहले मैं क्या कम करता हूँ, 120 में से 1 कम कर दिया, 120 हो गया। फिर 120 में से नेक्स्ट नंबर क्या सब्ट्रैक्ट होगा, 7 कितना आ जाएगा, 113। फिर 113 में से कितना आ जाएगा, देखो 113 में से कितना सब्ट्रैक्ट कर लेंगे हम, 19, तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 94 आ जाएगा। फिर 94 में से कितना कम कर देंगे हम लोग, 37 कम कर देंगे, तो मेरे पास कितना बचेगा, 57 बचेगा। यस हाँ, इज इट क्लियर? अब इसके बाद 57 में से कितना कम करना चाहिए, 61 कम करना चाहिए ना, तो कर दो आप एक नेक्स्ट स्टेप में कम कर दो, तो कितना बना, -4 बना, तो एक नेगेटिव रिमाइंडर ले आओ आप। मतलब -4 का मतलब क्या, अगर मैं 4 इसमें ऐड कर दूं तो रिमाइंडर 0 नहीं हो जाएगा। अब हमें निकालना है कितना ऐड करना है, तो हमें कितना ऐड करना है, 4 ऐड करना है। इज इट क्लियर? यस यस, ठीक है, आगे से कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है। अब हम आगे चलते हैं, डिस्कशन को हमारे आगे लेके चलते हैं। लेट्स कम टू DPP-3 नाउ। ठीक है ना, ठीक है, श्योर, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। अभी हम DPP-3 में आ जाते हैं, ठीक है, आई गेस सबका डाउट सारा क्लियर हो गया ये। नाउ लेट्स टेक DPP-3 ओवर हियर। अब DPP-3 में जो आपके डाउट्स हैं हम उसको देख लेते हैं। DPP-3 क्वेश्चन 4 का F, ओके, DPP-3 क्वेश्चन 4 का F, ठीक है, क्वेश्चन 4 का F। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास, मेरे पास आया हुआ है DPP-2 का, लिख दिया आपने 3 का, क्वेश्चन 4 का F, और क्या क्या लिखा हुआ है, ड्रिल MCQ ओलंपियाड बैनिया का डाउट है 6, 7, 16। और किसी का कोई डाउट है क्या, नहीं, नाजरा का कोई डाउट नहीं है मेरे पास, नाजरा कोई डाउट नहीं है इसमें, नो सर, DPP-3 नो डाउट। चलो तो DPP-3 4 का F देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। 4th का F में क्या लिखा है, देखो फाइंड क्यूब रूट्स यूजिंग सक्सेसिव सबट्रैक्शन, तो ये तो अब आप कर लोगे ना, 4th का F तो हो जाएगा अब आपसे। यस यस सर, 729 जब आप करोगे सक्सेसिव सबट्रैक्शन से तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा ना। फिर 6 से देखते हैं, फाइंड द क्यूब रूट यूजिंग एस्टिमेशन मेथड। एस्टिमेशन मेथड का मतलब क्या है, जो मैंने आपको बताया था, देखो क्वेश्चन नंबर 6 एक बार मैं फर्स्ट वाला करके दिखाता हूँ, 110592 है ना, 110592, उसका क्या आ जाएगा, एस्टिमेशन मेथड में 110592 हम क्या बोल सकते हैं, एस्टिमेशन मेथड में लास्ट डिजिट 2 कब आएगा, 8 होगा तब। फिर मैंने आपको बताया था 3 डिजिट छोड़ दो, आप छोड़ दोगे ना 3 डिजिट, तो 3 डिजिट छोड़ के जो 110 है वो किसके किसके क्यूब्स के बीच में आएगा, 4 क्यूब एंड 5 क्यूब, तो ऑब्वियसली 48 नंबर हो जाएगा। यस सो सो दैट इज द एस्टिमेशन मेथड। यस ओके, यस आई अंडरस्टूड, ठीक है, तो 48 का क्यूब आपके पास आ जाएगा है ना, 110592, ठीक है ना, तो दिस इज एस्टिमेशन मेथड। So I guess 6th has been done, 7th is also been done. Next 16 देख लेते हैं अभी, 16 doubt है, find the cube root of the following. अब वापस से cube root following का निकाल लोगे 16th, I don't think there's any doubt that you will face. Yes, किसी में कोई doubt है 16 में? No sir, no doubt. No sir, no doubt. Next we will take down to DPP-3 भी आपका हो गया, अब इसके बाद हम drill ले लेते हैं. Drill. Drill में first question नाजरा को doubt है. फर्स्ट का आई आल्सो, अब आ जाते हैं ड्रिल में, ड्रिल में फर्स्ट का ए, तो ड्रिल में फर्स्ट का ए क्या, एक्सप्रेस द गिवन नंबर एज अ सम ऑफ द क्यूब्स इन टू डिफरेंट वेज। अच्छा, सम ऑफ क्यूब्स इन टू डिफरेंट वेज बोल रहा है, मतलब 4104 को मुझे दो नंबर के क्यूब्स के बारे में लिखना है, और वो कितने तरीके से लिख सकता हूं मुझे वो देखना है।
अब मुझे एक चीज बताओ, 4104 को मुझे किसी भी दो के क्यूब के बीच में लिखना है सम की तरह, सम ऑफ टू क्यूब्स है ना। तो मुझे एक चीज बताओ, 4104 जो है वो किस किस तरीके से लिखा जा सकता है। तो पहले मुझे एक चीज बताओ, क्या क्या नंबर हो सकते हैं। 1 का क्यूब है 1, 2 का क्यूब है 8, 27, नेक्स्ट 64, नेक्स्ट 125, नेक्स्ट 6 का क्यूब हो गया 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729, 10 का 1000, 11 का 1331, 12 का 1728 हो जाएगा है ना, 13 का 2197 हो जाएगा, सही है। 14 का कितना हो जाएगा, 13 का लिख देता हूँ मैं, एक सेकंड, 13 का लिख देता हूँ मैं, 2197 हो जाएगा। फिर 14 का क्यूब क्या हो जाएगा आपके लिए, 2744, ठीक है ना। 14 का क्यूब हो जाएगा 2744, 15 का क्यूब कितना हो जाएगा, 3375 हो जाएगा, यस सर, है ना। और 16 का क्यूब कितना हो जाएगा आपके पास, 4096 हो जाएगा, बिल्कुल। अब मुझे एक चीज बताओ, तो 4104 को लिख सकते हैं 4096 प्लस 8, उसको मैं लिख सकता हूँ 1 क्यूब प्लस 16 का क्यूब, कैन आई राइट दैट, सॉरी 2 क्यूब प्लस 16 का क्यूब, कैन आई राइट दैट, यस और नो। 4104 को मैं लिख सकता हूँ 2 क्यूब प्लस 16 का क्यूब, यस और नो, यस सर। नेक्स्ट और चीज में क्या लिख सकता हूँ इसको, और कौन से दो नंबर्स आप पहचान सकते हो। देखो एंड करना चाहिए 4 से, 4 से एंड करना चाहिए, तो 8 प्लस देखो तो क्या हो सकता है बताओ सर, 9 क्यूब एंड 9 क्यूब एंड 15 क्यूब, हाँ देखो 9 क्यूब हो जाएगा 729 प्लस 15 क्यूब हो जाएगा 3375, तो वापस से बिल्कुल हो जाएगा 9 क्यूब प्लस 15 क्यूब, यस बिल्कुल सही बताया आपने, यस दैट्स आल्सो करेक्ट, ठीक है ना। और क्या कर सकते हैं, देखो और कुछ लिख सकते हो क्या, देखो 1000 लेने जाओगे या फिर 500 लेने जाओगे तो 3300 नहीं चलेगा, सीधा 4000 है, ठीक है ना। जैसे हम नीचे नंबर को लेके जा रहे हैं 15 पे गए तो ये यहाँ पे चला गया, अब हम और नीचे जाएंगे जैसे 2744 में विच इज 14 का क्यूब, तो 1300 समथिंग चाहिए जो कि नहीं है। 2197 में जाएंगे तो वापस से 1900 जितना कुछ चाहिए, ठीक है ना, 1800 जितना समथिंग चाहिए, तो वो नहीं है। So these are the two pairs which you get. Is it clear? Yes. इतना सबको clear है ना, मैं कैसे बताना चाह रहा हूँ ये? ठीक है, इसको सोचने का एक और तरीका भी है। देखो algebra के through अगर हम थोड़ा सोचने की कोशिश करें, तो a plus b का whole cube formula क्या होता है? a cube plus b cube, a cube plus b cube plus 3ab square. मैं इन दोनों को यहाँ ले जाता हूँ तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b माइनस 3ab स्क्वायर, और ये होगा a क्यूब प्लस b क्यूब, ओके ना। तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस b, सही है, और ये कितना हो जाएगा, a क्यूब प्लस b क्यूब। यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल्स टू a प्लस b का होल स्क्वायर इंटू, सॉरी a plus b into a plus b का whole square minus 3ab, yes? तो ये कितना हो जाएगा, a plus b into a square plus b square minus ab, सही है? तो आप क्या कर रहे हो हमेशा, अब जैसे 4104 है, ठीक है ना, try to understand, 4104 है, इसको क्या मैं prime factorize कर सकता हूँ, कर लेता हूँ, कितना हो जाएगा, 205 into 2, फिर prime factorize करूंगा, 1026 into 2 into 2, और prime factorize करूंगा, 513 into 2 into 2 into 2,
अब ये 513 मतलब 3 से डिविजिबल है? यस सर. 171 171 into 2 into 2 into 2 into 3 ठीक है. अब मैं क्या सोच सकता हूँ, क्या 171 को फिर से डिवाइड करूँ मैं तो कितना हो जाएगा? 57 into 2 into 2 into 2 into 3 into 2 sorry into 3 फिर 19 सही है? हाँ. हो जाएगा 19 into 2 का क्यूब into 3 का क्यूब सही है? So now try to understand. The number is nothing but cubes of two numbers such that sum is one factor and another factor that we have is over here is a square plus b square minus of ab. ठीक है ना? तो sum एक factor होना चाहिए. अगर मैं यहाँ से सोचूं तो 27 और 8 और 19 है तो sum एक factor होना चाहिए, बाकी अंदर एक दूसरा factor बन जाएगा. ठीक है? तो sum एक factor होना चाहिए का मतलब क्या, जैसे यहाँ 16 और 2 है तो 16 प्लस 2 मतलब 18 एक फैक्टर होना चाहिए. ठीक है ना? तो यहाँ से जो पॉसिबल फैक्टर्स बन सकते हैं वो फैक्टर्स आप बना लेना. दूसरा फैक्टर क्या पॉसिबल है देखो, और क्या क्या फैक्टर, एक 18 तो बना दिया आपने, और क्या क्या बना सकते हो? 24 बना सकते हैं. तो 24 अगर आपने बना दिया ठीक है ना, ए प्लस बी अगर आपने 24 ले लिया, एक चीज दूसरा आपको ध्यान रखना है. क्या ध्यान रखना है उस चीज का? ये ध्यान रखना है जैसे यहाँ पे अगर हम देखेंगे ठीक है ना, 9 और 15 है, तो अगर आपने 24 बना दिया तो इतना ध्यान रखना कि अंदर का जो फैक्टर है वो बाकी इसी के साथ रिलेट हो जाना चाहिए. तो मुझे समझ में नहीं आया 24 ये सब कैसे आ रहा है. यहाँ से आ रहा है बेटा, देखो मैं अभी आपको समझाऊँ बहुत अच्छे से. इसको थोड़ा सा ऐसे समझो, आप ये स्टेप से समझने की कोशिश करो. क्यूब्स मतलब क्या लिखे हुए हैं, क्यूब्स मतलब क्या लिखा हुआ है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज नथिंग बट ए प्लस बी का, ये देखो ये समझ आ रहा है? इसको थोड़ा सा ऐसे रिलेट करो आप. ए प्लस बी एक फैक्टर है और दूसरा फैक्टर है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab. मतलब दो नंबर्स आपको ऐसे चुनने हैं जिनका एक फैक्टर सम हो जाए और दूसरा फैक्टर स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स उनका प्रोडक्ट हो जाए. सम, प्रोडक्ट और सम. अब हम क्या सोच रहे हैं, ये नंबर और ये नंबर बिल्कुल सेम है. अगर मैं यहाँ से सोचता हूँ कि मुझे नंबर्स, अगर मैंने बोला कि एक मैं निकाल लेता हूँ दो नंबर्स जो 18 सम दे दे तो बिल्कुल ठीक है. 2 और 16 ऐसे हो जाएंगे तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ क्या हो जाएगा 18 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 का होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स, सॉरी 18 का होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स 32, तो ये 324 माइनस 96 हो गया, मतलब 228 हो गया. इज इट क्लियर? समझ आ रहा है आपको मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? यस सर. ठीक है, तो अगर हम थोड़ा सा ऑब्जर्व करें ठीक है ना, यहाँ पे हम बेटा फर्स्ट फैक्टर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, दो नंबर्स का फैक्टर. तो यहाँ से हमने क्या करा, ये आपने ऊपर 19 लिखा है तो आप नीचे 18 क्यों ले रहे हो? कहाँ पे 19 लिखा है, ये वाले फैक्टर की बात कर रहा हूँ, ये 16 प्लस 2 18 ये तो पूरा नंबर है. अरे ये तो पूरा नंबर है, पहले मैं 2 क्यूब लिखूं फिर 3 क्यूब लिखूं फिर 19 लिखूं, तब इसमें से जो मिला के मैं पहला फैक्टर बनाना चाहूं बना सकता हूं ना. तो मैंने 18 एक फैक्टर सोचा. अब 18 अगर फैक्टर बन गया तो बाकी बचे हुए नंबर क्या बन जाएंगे यहाँ पे? फॉर एग्जाम्पल यहाँ से आपने 18 निकाल दिया, एक 18 मतलब एक 2 निकाल दिया और एक 2 9 निकाल, 2 3 निकाले तो बचा कितना, 4 और 3 और 19 बचा ना. अब 4 3 19 ही तो 228 हो जाएगा. इज इट क्लियर? तो ऐसे हम सोच सकते हैं कि किस पैटर्न में नंबर्स बन सकते हैं. ठीक है, ये हम ऐसा सोच सकते हैं. ठीक है, नहीं तो आप क्या करो, क्यूब्स लिख लो जैसे हमने यहाँ लिखे और वहां से फिर क्यूब्स का एडिशन करो और गिवन नंबर के इक्वल बनाने की कोशिश करो. इज इट क्लियर? यस सर. सर 216 क्या सभी मेड? हाँ क्या बेटा? 216 भी बन सकता है. 216 भी बन सकता है. 216 किसके साथ बनाओगे आप बताओ? सर 216 किसके साथ बनाओगे आप?
Vanya, which whole exercise do you want me to discuss, beta? Yes, Vanya? So I didn't understand this means whole exercise, like. Which one? Which exercise? Which exercise? Sir, this drill only. Drill only, no? Number one, also I didn't understand properly. Actually, kya hota hai? Jo first usne exercise diya hai, ye Hardy-Ramanujan numbers kehlate hai. Theek hai na? Hardy-Ramanujan numbers. What are these numbers actually? ये ऐसे numbers हैं जिनको हम दो numbers के cube की तरह लिख सकते हैं. मतलब a cube plus b cube भी ये number दे देंगे और c cube plus d cube भी यही numbers हमको sum बना के दे देंगे. ऐसे numbers हमको बताने हैं, ठीक है ना? ऐसे numbers हैं ये. इनकी खासियत ये है कि ये किसी भी दो के sum, cubes के sum के बारे में लिखे जा सकते हैं. Yes, sir. Numbers की खासियत है. These are special numbers. What is the special